यूपी सरकार का मॉडल आया और एक दिल्ली सरकार का मॉडल आया, जहां यूपी सरकार ये कह रही है कि जो भी दंगे में शामिल होगा उसकी जो संपत्ति है उसे बेचकर नीलाम करके उसकी भरपाई की जाएगी, वहीं दिल्ली की गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी दंगे में घायल होगा उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए कौन सा मॉडल सर देखते हैं? देखिए हम तो उसी दिन से बहुत खुश थे जिस दिन से योगी जी ने यूपी की कमान संभाली थी जी, और हम बहुत खुश हैं और योगी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और मोदी जी से भी और शाह जी से भी ये अपील करना चाहते हैं, इवन जहां तक भी हमारी आवाज पहुंचेगी हम इसके लिए जनता से भी जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि जनता सरकार पर दबाव बनाए कि आंदोलन के नाम पर जो हिंसा करते हैं उन लोगों को चिन्हित किया जाए, उनकी जमीन बेची जाए, अगर उनकी उठा करके किडनी निकाल करके बेचनी पड़े, उनका खून निकाल करके बेचना पड़े, उनकी आंख निकाल कर बेचनी पड़े, जो बेचना है बेचो, पर वसूली उन्हीं से ही होनी चाहिए। जो जिनके अंदर जो लोग कह रहे हैं कि हमारे खून में बड़ी गर्मी है, 500 साल हमने राज किया, 800 साल राज किया और हमारी हड्डियों में उबाल नहीं आया, मैंने इंटरव्यू सुना है वो उसका, और तुम 5 साल में ही उबलने लगे। मैं कहना चाहता हूँ जिनकी हड्डियों में उबाल आ रखा हो और जिनके खून में उबाल हो और वो जो उबाल सड़कों पे दिखा रहे हैं, योगी जी मोदी जी शाह जी उनका खून निकाल के बिकवाएं और जो जो संपत्ति उन्होंने नुकसान किया है उसकी भरपाई करवाएं। मगर सर जो केजरीवाल कह रहे हैं वो जो दंगाई घायल होंगे उन्हें 5 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने भी शांत कराने की बात करी है, इससे सर शांत करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, उसके बाप का पैसा हो तो दे दे, और अगर हमारे दिल्ली वालों का टैक्स पेयर्स का पैसा है तो हमारे दिल्ली वालों को घसीट के उसको बाहर निकालना चाहिए और पहले उसकी ढुगाई करनी चाहिए, पूछना चाहिए उससे कि तेरे बाप का पैसा है क्या, ये क्यों दे रहा है तू, और हम दंगा करने पाए तो क्या होगा और तेरा साथ क्या होगा। इसलिए देखिए आप आग को आग से नहीं बुझा सकते, उसके लिए तरीका है। आप एक व्यक्ति को 5 लाख दे रहे हो जिसका सिर फूटा है, उसको क्या दोगे? भोड़ने वाले को तो 5 लाख दे दिया आपने, पुलिस वालों को क्या देंगे? कश्मीर में तो 500 रुपए देते थे, आप तो 5 लाख दे रहे हो, कौन सा मॉडल लाना चाहते हो? इसलिए शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को, तो तमीज से बात करनी चाहिए। ये कौन से मदरसे में जाके इन्होंने IIT करी है हमें नहीं पता। मगर सर उनके डिप्टी सीएम तो दंगाई बताते हैं, ट्वीट करते हैं, बकायदा वीडियो निकल गया। बस एक मिनट सर, उनके जो डिप्टी सीएम है वो वीडियो डालते हैं और कहते हैं कि पुलिस वाले दंगाई हो गए, पुलिस वाले आग लगा रहे हैं और वो पूरा का पूरा वीडियो फेक निकलता है। देखिए सच्चाई निकल गई है, सबको पता लग गया है, चाहे सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, चाहे उसके वो अमानतुल्ला खान विधायक हो, कोई भी हो, सबकी सच्चाई सामने आ रही है। चुनाव आने वाले हैं, लोगों को तुरंत ही पता लग जाएगा। दिल्ली की जनता इस बार बेवकूफ ना बने, फ्री के चक्कर में ऐसा ना हो कि कल तुम हाफिज सईद को यहाँ का सीएम बना दो या प्रधानमंत्री बना दो, कुछ शर्म करो दिल्ली वालों, इससे तो बढ़िया हमारे यूपी वाले रह गए। जी, धन्यवाद।